हेलो दोस्तों, साउथ इंडियन फिल्म्स की खासियत उनकी कहानियां हैं, और जब भी साउथ इंडियन फिल्म कुछ हिट हुई है तो जरूर बॉलीवुड में उसका रीमेक हुआ है। और वैसे ही साउथ की बहुत सारी लड़कियों ने आकर बॉलीवुड में तहलका मचा लिया, चाहे फिर वो वैजयंती माला हो या हेमा मालिनी, रेखा या अपनी सुपरस्टार श्रीदेवी या जयप्रदा। पर आज जो हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो नॉर्थ की लड़कियों के हैं, जिन्होंने जाकर साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा दिया है। तो चलिए बिना देर किए हम इन 10 ऐसे खूबसूरत हीरोइन से मिलेंगे जिन्होंने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को अपनी खूबसूरती और अपनी अदाकारी से हिलाकर रख दिया है। हमारे लिस्ट में सबसे पहले है नकद खान, जिसे हम प्यार से खुशबू के नाम से पहचानते हैं। खुशबू ने अपनी करियर की शुरुआत एक बाल कलाकारा के रूप में बॉलीवुड में की, पर जब वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एंट्री जमाई तब वो एक बहुत खूबसूरत हीरोइन बन चुकी थी। उन्होंने अपनी अदाकारी और अपनी खूबसूरती से तमिल फैंस का दिल जीत लिया, लोग उन्हें पूजने लगे। वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे छा गई कि बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज देने लगी। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। उन्हें तमिलनाडु गवर्नमेंट से सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड कलाईमनी वाला अवार्ड भी दिया गया है। वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम इस तरह से जमा लिया कि लोग उनके दीवाने हो गए। उनकी खासियत बोले तो वो उनकी खूबसूरती और उनकी अदाकारी नहीं, पर उन्होंने तमिल भाषा ऐसे अपना लिया कि आप अगर उनको सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि ये वही खुशबू है। हम सब चौंक जाएंगे उनका टॉक शो देखकर। वो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे छा गई कि मुंबई से लेकर चेन्नई में जाकर चेन्नई की ही बन गई। अगले हमारे लिस्ट में है ज्योतिका, जो एक पंजाबी फैमिली को बिलोंग करती है। उन्होंने अपना तमिल फिल्म का डेब्यू वल्ली नाम के मूवी से किया था। उसके बाद वो एक से एक बेहतर रोल में हीरोइन के रूप में आकर तमिल फैंस का दिल जीत लिया। उनकी तेलुगु फिल्म्स भी बहुत हिट होने लगी। तमिल और तेलुगु में वो इस तरह से छा गई कि लोग उनके दीवाने हो गए। पर अपने करियर के पीक में उन्होंने तमिल एक्टर बहुत ही सुप्रसिद्ध स्टार सूर्या से शादी कर ली, और फिर वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री की एक बहू बन गई। पर उन्होंने अपना कमबैक एक बहुत ही खूबसूरत तमिल फिल्म 36 वायदनले में किया, और उसके लिए उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस साउथ इंडिया मिला। अभी भी ज्योतिका अपने खूबसूरत अदाकारी और वुमन सेंट्रिक रोल से अपने फैंस का दिल जीत रही है। अगली हमारी हीरोइन है बहुत ही खूबसूरत काजल अग्रवाल, जो एक मॉडल थी और मुंबई से है, मुंबई महाराष्ट्र से है। और उन्होंने अपनी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एंट्री लक्ष्मी कल्याणम नाम के फिल्म से किया था। वो तमिल तेलुगु दोनों फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे छा गई कि लोग उनके दीवाने हो गए। उनकी बहुत ही सुपरहिट मूवीज है, जिनमें से कुछ है मगधीरा, तुप्पाकी, मर्सल एंड बिजनेसमैन। काजल अग्रवाल ने अपनी खूबसूरती से बहुत से लोगों के दिल जीते, और साउथ इंडिया की वो एक टॉप की हीरोइन है। हमारे लिस्ट की अगली खूबसूरत और बहुत ही छुलबुली हीरोइन है हंसिका मोटवानी। हंसिका को देखते ही उनसे प्यार हो जाएगा। हंसिका की खूबसूरती ने उन्हें इतने मुकाम पे पहुंचा दिया कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वो छा गई। उनकी डेब्यू तेलुगु फिल्म देसमुद्रु से हुई थी, पर उन्होंने तमिल, मलयालम, तेलुगु हर फिल्म में अपनी अदाकारी से अपना फैन बेस बढ़ा लिया। हंसिका अब साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही मशहूर हीरोइन है, और उनकी खूबसूरती के लोग दीवाने हैं। अब चलिए मिलते हैं मिल्क ब्यूटी से। जी हाँ, आपने सही पहचाना, तमन्ना भाटिया। तमन्ना भाटिया को उनके फैंस बहुत प्यार से मिल्क ब्यूटी के नाम से पहचानते हैं। मिल्की ब्यूटी, मिल्की ब्यूटी, मेरे व्हाट इज योर इनसाइड व्हेन मिल्की ब्यूटी, मिल्की ब्यूटी अला चप्पेटपड़ो इनसाइड, रियली फील लाइक अ चॉकलेट। ये पंजाबी कुड़ी ने अपनी खूबसूरत त्वचा, अपने गोरे रंग से और अपनी अदाकारी से साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का दिल जीत लिया। उनके फैंस उनके दीवाने हो गए। उन्होंने तेलुगु और तमिल दोनों भाषाओं में
बहुत सारे सुपरहिट फिल्म्स दिए हैं। हैप्पी डेज नाम के तेलुगु फिल्म से उनकी करियर की सुपरहिट फिल्म्स की शुरुआत हुई। उसके बाद एक के बाद एक उन्होंने इतनी खूबसूरत फिल्म्स दिए, जैसे आयन, देवी, 100% लव, रचा और F2 फन एंड फ्रस्ट्रेशन, और सबसे बहुत खूबसूरत मूवी उनकी बाहुबली। उनकी मूवीज ऐसे हिट हुई कि लोग उनके दीवाने हो गए। उनका श्रेय नरसिम्हा रेड्डी में एक छोटे से रोल पर लोग बहुत सराहने लगे। तमन्ना भाटिया तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री की बहुत ही मशहूर हीरोइन के नाम पे शामिल है। चलिए अब यूपी की इस लड़की से मिलते हैं जिसका नाम है श्रिया सरन। श्रिया सरन ने अपनी फिल्म की करियर शुरुआत 2001 में की थी, पर उनकी मूवी संतोषम ने उन्हें बहुत सारा नाम और फेम दिया। वो अब तेलुगु, तमिल, मलयालम हर मूवी में छाई हुई है। उनकी रोल शिवाजी द बॉस में रजनीकांत के साथ जो किया था, उसे लोगों ने बहुत पसंद किया और वो बहुत एक मशहूर हीरोइन के नाम पे साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में छा गई। उन्होंने अमेरिकन फिल्म्स में भी अपनी मुकाम करके उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का भी शुरुआत किया। उन्हें बहुत सारे अवार्ड से सराहा गया, उसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी, इसके लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। अब मिलिए राकुल प्रीत से। ये एक दिल्ली बेस्ड मॉडल है जिन्होंने साउथ इंडियन मूवी में अपना तहलका मचा लिया। उनकी फिट बॉडी और उनकी खूबसूरत अदा लोगों का दिल जीत ली। उन्होंने अपनी फिल्म की करियर कन्नड़ा फिल्म के एक गिली नाम के फिल्म से शुरू की थी और उसके बाद वो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में छा गई और फिर तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी छा गई। अब वो हर फिल्म में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीती है। अब मिलते हैं चार्मी कौर, जो वसई महाराष्ट्र में रहने वाली है। उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म से की, पर उसके बाद उन्होंने तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, हर साउथ इंडियन लैंग्वेज की फिल्म में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीता। चार्मी कौर की करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म नी तोड़ कावाली से हुई, जो 2002 में रिलीज हुई, और उसी साल उसे तमिल डेब्यू फिल्म कादल अड़वदिल्ले, उसी में उसको हीरोइन का रोल दिया गया। चार्मी ने हर साउथ इंडियन लैंग्वेज में काम करके अपनी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का करियर बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। रश्मि खन्ना ये दिल्ली की एक मशहूर मॉडल है और उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म से की थी। वो हिंदी फिल्म मद्रास कैफे में भी दिखाई दी है, पर उन्होंने तेलुगु में 2014 में हुआलू गुसा गुसा लड़े में अपनी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की करियर शुरू की। अब वो तमिल और तेलुगु दोनों फिल्म्स में छाई हुई है। उनकी बहुत सारी सुपरहिट फिल्म्स में से कुछ है बंगाल टाइगर, वर्ल्ड फेमस लवर, सुप्रीम, वेंकी मामा, तोली प्रेमा एंड अंगदा मारू। अब हम आखिर में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश हीरोइन इलेना डिक्रूज से मिलते हैं। इलेना को हम सब पहचानते हैं उनकी बर्फी और रुस्तम से, पर इलेना ने अपनी करियर की मुकाम को साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ मोड़ लिया। उन्होंने अपनी तेलुगु फिल्म डेब्यू देवदसु से अपने साउथ इंडियन फिल्म की करियर की शुरुआत की। उसके बाद वो एक के बाद एक सुपरहिट मूवीज देने लगी, जैसे जुलाई, पोखरी एंड ननबन। अब इलेना की खूबसूरती को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, पर उनकी अदाकारी को भी लोगों ने बहुत सराहा है। उम्मीद है आप सबको हमारी ये टॉप 10 लिस्ट ऑफ नॉर्थ इंडियन गर्ल्स इन साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पसंद आई होगी। आप सब हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए और खूबसूरत हीरोइंस और खूबसूरत फिल्म्स की एक गुलदस्ते को हर हफ्ते पेश करते रहे। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।